हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखेंगे भगवान शिव को समर्पित बालेश्वर मंदिर समूह, जो कि चंपावत में स्थित है। यहां भगवान शिव के अतिरिक्त मां रत्नावती देवी और मां चंपावती देवी के मंदिर भी हैं। यह मंदिर चंपावत स्टेशन से 100-200 मीटर की दूरी पर ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण चंद शासकों द्वारा 10वीं से 12वीं सदी में किया गया था। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं इस खूबसूरत से मंदिर के। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मंदिर पूरा पत्थरों द्वारा ही निर्मित किया गया है। यहाँ हस्तशिल्प कला का बहुत ही सुंदर नमूना देखने को मिलता है। यहाँ पर आप भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये भी दिखने में बहुत सुंदर बनाया गया है। पूरा पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर देखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है। ऊपर को जाने पर यहाँ पर दो देवियों के मंदिर हैं, एक चंपावती देवी, एक रत्नावती देवी। यह दोनों मंदिर आमने सामने ही बनाए गए हैं। मंदिर का प्रांगण भी पूरा पत्थरों द्वारा ही बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हस्तशिल्प कला से यहाँ बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ सामने है भगवान भोलेनाथ का मुख्य मंदिर और यहाँ ऊपर को जाने में बजरंग बली का एक सुंदर सा मंदिर बनाया गया है। चलिए वहाँ भी चलते हैं।
यहाँ बजरंग बली की एक विशाल काय मूर्ति लगाई गई है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर से नीचे आने पर यहाँ पर एक छोटा सा नौला भी बनाया गया है, जिसमें यहाँ के लोकल लोग पानी भरने अक्सर आए रहते हैं। तो ये थी बालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी वीडियो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत जल्द।